किसान कर्ज माफी का दूसरा चरण शुरू कर चुकी कमलनाथ सरकार ने देपालपुर में किसानों का कर्ज माफ किया। इस दौरान कृषि मंत्री सचिन यादव, गृह मंत्री बाला बच्चन और स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने किसानों का कर्ज माफ किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। बीजेपी को सत्ता से उखाड़कर 15 साल के सूखे को खत्म करते हुए राज्य की बागडोर संभालने वाली कमलनाथ सरकार अब अपने दिए हुए वचनों को पूरा करने में जुट गई है। कांग्रेस ने ये कठिन मुकाम राज्य के किसानों की बदौलत पाया है। इसी को देखते हुए सरकार किसानों के चेहरे पर मुस्कान और उनके जीवन में हरियाली लाने का प्रयास कर रही है। बुधवार को कमलनाथ सरकार के कृषि मंत्री सचिन यादव, गृह मंत्री बाला बच्चन और स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने देपालपुर के प्रसिद्ध श्री 24 अवतार मंदिर परिसर में कर्ज माफी के दूसरे चरण में 4000 से ज्यादा कृषकों की ऋण माफी के लगभग 40 करोड़ रुपए के कर्ज माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए। इस दौरान किसानों के चेहरों पर खुशी देखते ही बन रही थी। के साथ मिलकर के मुझे जमीन दिलवा, बाकी काम जो है इस भाई के ऊपर छोड़ दीजिए। ये आपका भाई जो है सारे काम आपको करने का प्रयास करेगा। कि अभी सरकार को बने हुए सिर्फ कितना साल हुआ है? एक साल। कितने साल हुए हैं? एक साल। अभी सरकार को बने हुए सिर्फ एक साल हुआ है। तो ये तो सरकार का सिर्फ ट्रेलर है आदरणीय साथियों, ये जो सरकार का सिर्फ ट्रेलर है। अभी 4 साल बाकी है, अभी पिक्चर पूरी बाकी है आदरणीय साथियों, अभी पिक्चर पूरी बाकी है। आप जानते हैं 365 दिन के पूर्व एक संकल्प आपके लिए, आपके विकास के लिए, आपकी प्रगति के लिए जब कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष थे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ज्योतिराय सिंधिया जी, दिग्विजय सिंह जी, राहुल जी, पचौरी जी, कांतिलाल भूरिया जी, कर्जा आपका सोसाइटियों का कर्जा, कोऑपरेटिव बैंकों का कर्जा, राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा 2-2 लाख तक का हम माफ करेंगे। तो साथियों, लोकसभा के चुनाव के पहले हमने जो रेगुलर किसान थे उनके 50-50 हजार तक का हमने कर्जा माफ किया, जो एनपीए किसान थे उनके 2-2 लाख रुपए तक का हमने कर्जा माफ किया। उस समय पूरे इंदौर जिले के 23,556 किसानों का कर्जा 122 करोड़ रुपए कर्जा उस समय इंदौर जिले के किसानों को माफ हुआ था। और उस समय देपालपुर विधानसभा के किसानों का 10,778 किसानों का कर्जा माफ हुआ था, और वो करीब थे 54 करोड़ रुपए की राशि का कर्जा माफ हुआ था। आज जो है देपालपुर विधानसभा के किसानों का जो कर्जा माफ हो रहा है, 4,777 किसानों का कर्जा आज लगभग 34-35 करोड़ रुपए कर्जा माफ हुआ है। दोनों चरण का अगर हम देखते हैं तो देपालपुर विधानसभा के किसानों का 15,000 किसानों का 92 करोड़ रुपए कमलनाथ जी ने माफ किया है। ताली बजाकर उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कीजिए। मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री सचिन यादव ने देपालपुर की जनता द्वारा अनाज मंडी की बहुप्रतीक्षित मांग को लेकर कहा कि जमीन उपलब्ध होने के बाद शीघ्र ही निर्माण कार्य चालू कर दिया जाएगा। वहीं गृह मंत्री बाला बच्चन ने देपालपुर की जनता की तरफ से सीएम कमलनाथ को कर्ज माफी के लिए धन्यवाद दिया। अभी हमने हमारा दूसरा चरण चालू किया है। इस दूसरे चरण में वो किसान साथियों को शामिल किया जाएगा जिनके ऊपर 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का जिनके ऊपर ऋण है, और साथ ही साथ वो किसान साथी जो प्रथम चरण में जिनके कालातीत खाते थे लेकिन किसी कारण से वो ऋण माफ़ी में नहीं आ पाए हैं, उनके खातों में कोई प्रकार की त्रुटि थी, चाहे वारिसान की समस्या, वो सारी त्रुटियों को सुधार करके दूसरे चरण में ऋण माफ़ी ला। निश्चित रूप से हमारे विधायक जी जो हैं काफ़ी समय से जो है यहाँ पर एक जो मंडी प्रांगण है, वो मंडी प्रांगण जो है यहाँ पर छोटा है, उसको लेकर के वो अपनी बात रख रहे थे। तो हमने उनसे कहा है कि जो है जमीन जो है दें, और जमीन आने के बाद जो है उसके ऊपर लोग यहाँ पर मंडी का कार्यक्रम था, और पूरे इंदौर जिले में अभी तक करीब दोनों किस्तों में 35,000 किसानों का 210 करोड़ रुपए माफ हो चुका है, और देपालपुर विधानसभा का आज 4,777 किसानों का 35 करोड़ रुपए कर्जा माफ हुआ है। तो देपालपुर विधानसभा के किसानों का और इंदौर जिले के और मध्य प्रदेश किसानों को इसकी बधाई और शुभकामना।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्र की आम जनता एवं महिलाएं पहुंची। इस दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा SGM प्रतुल सिन्हा एवं कई अधिकारियों की उपस्थिति में महिलाओं की गोद भराई की रस्म अदायगी भी की गई। साथ ही भूमिहीनों को मकानों के लिए पट्टे भी वितरित किए गए। इसके साथ ही लॉटरी में दिए गए ट्रैक्टरों की चाबी भी किसानों को थमाई गई, जिसमें महिला किसान भी शामिल रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, देपालपुर।